ये जानना चाह रहे हैं कि आज की जो सेवा ही संगठन का जो आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, कई दिनों से कई महीनों से चल रहा है, लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है, जागरूकता को लेकर के पंचायत चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक तो पहले जागरूकता इस बात की है कि कोरोना का तीसरा लहर संभावित है। देश में वैज्ञानिक प्रतिदिन फॉरकास्ट कर रहे हैं कि WHO का फॉरकास्ट आ रहा है कि तीसरा लहर आ सकता है। पहला और दूसरा लहर में जिस तरह से नुकसान हुआ, उस नुकसान को बचाने के लिए लोग को जागरूक करने की बड़ी आवश्यकता है। और बचने के लिए कोरोना से मास्क लगाना, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करना, इसको लेके लोगों को अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग जागरूक नहीं हैं, ऐसा आपको लगता होगा। तो मैं पिछले 30 मई 2021 को इस सेकेंड लहर जब आया, उसके बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का या दूसरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष पर जब सेवा संगठन अभियान चला, तो हमने फिर से पहले लहर में भी हम लगभग 1 लाख से अधिक मास्क लोगों तक पहुँचाए। इस बार मैं स्वयं हर प्रखंड में जा रहा हूं अपने कार्यकर्ता साथियों से मिलके, और हर पंचायत में 100 मास्क देके, अब एक पंचायत में 100 मास्क से कुछ होगा नहीं मैं जानता हूं, लेकिन उससे यह जरूर हो रहा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस पंचायत में वो 100 मास्क 100 घरों में बांट के लगा के अगर निकलता है तो लोगों को जागरूक होता है, लोगों के भी जागरूकता होता है कि भाई मास्क लगाना चाहिए और ये ज़रूरी है आज के दिन में। तो ये काम हो रहा है और साथ ही साथ पंचायत का चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद आप कह सकते हैं अगले महीने संभावित है, तो पंचायत के चुनाव में अधिक से अधिक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के साथी तमाम जीत करके आएं, इसके लिए निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को हमारी तैयारी है, पहले से भी तैयारी है हमारे कार्यकर्ता का, हमारा संगठन है बूथ तक, पंचायत की बात कौन करे, हम बूथ तक हमारा संगठन है। तो और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यह स्वरूप रहा, यह काम का तरीका रहा है कि हम केवल विकास, हम केवल राजनीति नहीं करते, हम जन सरोकार की राजनीति करते हैं। और जन सरोकार का एक बड़ा पक्ष यह है कि जब चुनाव हो, चुनाव में अच्छे प्रतिनिधि चुन करके आए, लोकतंत्र में अच्छा प्रतिनिधि जब तक चुन करके नहीं आएगा तब तक लोकतंत्र प्रभावशाली नहीं होगा, लोकतंत्र का फायदा लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहता है कि हम अच्छे प्रतिनिधि को चुनने में हमारा कार्यकर्ता मदद करे। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में अच्छा से अच्छा प्रतिनिधि, अच्छा मुखिया, काम करने वाला वार्ड सदस्य, समिति, जिला पार्षद चुन करके आए, ताकि आज जो प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो इतना भेज रहे हैं राशि आज पंचायतों में खर्च होने के लिए आ रहा है पंचायत के माध्यम से, वो सही जगह पर पहुँचे, जनता को उसका लाभ मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे पंचायत में अच्छे मुखिया, अच्छे वार्ड सदस्य, अच्छे पंचायत समिति प्रमुख, अच्छे जिला पार्षद, ये तमाम लोग चुन करके आए। आप जिस क्षेत्र में अभी आए हुए हैं उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है गंगा का कटाव। इस कटाव को लेकर के कभी कुछ दिखाई नहीं देता, अगर थोड़ी बहुत कभी दिखाई पड़ती है तो फिर वो बंद हो जाती है, जबकि आप यहाँ से लेकर केंद्र तक। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ये बलिया का एक बड़ा क्षेत्र, दियारा का क्षेत्र है, गंगा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कटाव प्रभावित क्षेत्र है, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। लंबे समय से बहुत पहले जो काम होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें बिहार में इस 15 वर्षों के सरकार में, लगभग 15 वर्ष, अब तो 16वां वर्ष हम लोग हैं यहाँ, इसमें 2 साल को छोड़ करके, तो गंगा के कटाव या किसी बड़े नदी के कटाव, बाढ़ से बचाव में जितना काम हुआ है, चाहे अगर उसके बाद भी अगर बाढ़ कहीं आया है तो उस बाढ़ में लोगों को रिलीफ पहुंचाने का जो काम, जितना काम हमारी सरकार में, NDA की सरकार में बिहार में हुआ, उतना कभी किसी ने नहीं किया। बाढ़ के समय में बाढ़ के नाम पर कटाव और जो बात आप कह रहे हैं उसमें केवल पैसों का लूट होता था, केवल घोटाला होता था, और RJD के ज़माने में आपको याद होगा उस समय बाढ़ घोटाला हुआ था। लेकिन ये 15-16 साल की सरकार है बिहार में, हमारी NDA की सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, गंगा हो, बूढ़ी गंडक हो, ऐसी बड़ी नदियों के पानी भरने से, ज़्यादा पानी आने से जो कटाव की समस्याएं हैं, बाढ़ की से बचाव की समस्या है, बाढ़ राहत की समस्या, उस पर पूरा काम किया जा रहा है और जहाँ जो कमी है उसको हम लोग फिर से करेंगे। बेगूसराय में आए दिन आगलगी की घटना हो रही है, नगर निगम के कार्यालय में आग लगी, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आग लग गई, इससे पहले राकेश सिन्हा जी के भी कार्यालय में आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन जो भी हो, भाजपा को आग से प्रेम हो गया क्या? ये भाजपा से थोड़े आग है, शॉर्ट सर्किट हो गया,
शॉर्ट सर्किट हो गया बैंक में, इसकी जांच होनी चाहिए कि अब शॉर्ट सर्किट हुआ है तो बैंक में, मतलब ये कैसे साबित हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है? जो सुने हैं, जो सुने हैं हम, हमें जो मालूम हुआ है, बाकी तो इसकी जांच की अगर हम मांग करते हैं तो होना ही चाहिए, और बैंक में अगर हुआ है तो हमको लगता है कि इसकी जाँच बैंक जरूर करेगा।